सातो बाहर काम किया करते थे, पर लॉकडाउन के बाद काम छूटने पर घर वापस आए और साइबर ठगी में लग गए। बुधवार को एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी। 30 साल से कम उम्र के 6 आरोपी अब्दुल अंसारी, सलीम अंसारी, गुलाम कादिर, सज्जाद अंसारी, मजीद अंसारी, दिलशाद अंसारी और शराफत अंसारी शामिल हैं। सभी करमाटार थाना क्षेत्र स्थित रिंगो चिंगो के रहने वाले हैं। इसमें से सलीम अंसारी साउथ अफ्रीका में मार्बल मिस्त्री का काम किया करता है। गिरफ्तार ठग लोगों के मोबाइल नंबर पर कॉल कर उन्हें अपना परिचय बैंक अधिकारी के रूप में देते हैं और लोगों को झांसा में ले लेते हैं। इसके बाद किसी को केवाईसी अपडेट कराने की बात कहते हैं, किसी को उनका एटीएम कार्ड ब्लॉक करने की झूठी जानकारी देकर डिटेल लेते हैं। इस दौरान मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी की जानकारी भी आरोपी पूछ लेते हैं और लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं।